नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है शमशाद बेगम का। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गायक हुए जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और लोग बड़े ही चाव से उनके गीत सुनते हैं। आपको याद होगा एक गीत गुजरे जमाने का, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, या फिर कजरा मोहब्बत वाला। इन गानों को गाने वाली महान गायिका शमशाद बेगम अपने सुरीले सुर से आज भी लोगों के कानों में गूंजती हैं। शमशाद बेगम भारतीय हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिसको संगीत के प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। शमशाद ने अपने करियर में ऐसे गीतों को गाया था जो फैंस के जहन में अब तक तरोताजा हैं। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल साल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत रेडियो से की थी और साल 1937 में शमशाद बेगम ने लाहौर रेडियो पर अपना पहला गीत पेश किया था। फिर साल 1944 में उन्होंने अपना पहला कदम मुंबई में रखा। इसके बाद पूरी दुनिया ने शमशाद बेगम की आवाज के जादू को महसूस किया। उन्होंने कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून जैसे अनगिनत सुपरहिट गाने फैंस को दिए। उन्होंने अपने करियर में कई भाषाओं में 6000 से ज़्यादा गाने गाए थे। शमशाद बेगम अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली और मोटी फीस लेने वाली प्लेबैक सिंगर थी। बेगम साहिबा दिखने में भी उतनी ही खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां फेल थीं। जब वो गानों से सभी के बीच धूम मचा रही थीं, तभी उनको फिल्मों में अभिनय के भी ऑफर आए, लेकिन परिवार की रूढ़िवादी सोच होने की वजह से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। शमशाद बेगम की शादी काफी विवादित रही थी और वो जब तरक्की के झंडे गाड़ रही थी तो उनके परिवार वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद अपने हमसफर की तलाश पूरी कर चुकी थी। वो जिससे मोहब्बत करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। ये 1934 का दौर है और उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। मुसलमानों ने अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग कर रखी थी। इसी साल शमशाद की मुलाकात गणपत लाल भट्टो से हुई। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और दोनों के घरवाले इस शादी के खिलाफ भी थे, लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। और जिस वक्त शमशाद बेगम की शादी हुई तब वो सिर्फ 15 साल की थी। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिसमें ओ गाड़ी वाले, गाड़ी धीरे धीरे हाँक, या फिर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कभी यार कभी पार, लगा तीरे नजर, मेरे पिया गए रंगून सभी जानते हैं, छोड़ बाबुल का घर, कजरा मोहब्बत वाला, दूर कोई गाए न बोल पी पी मोरे अंगना, एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। ये तमाम वो गीत हैं जो शमशाद बेगम की आवाज़ में आज भी कानों में गूंज उठते हैं। फिल्मों से दूर होने के बाद शमशाद गुमनाम हो गई। अपने करियर में उन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2013 में 23 अप्रैल को शमशाद बेगम ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यूं तो शमशाद बेगम के ढेरों गाने हैं जो आज की पीढ़ी को भी अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है कजरा मोहब्बत वाला। आपको कौन सा गीत पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंतजार रहेगा, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।